मंगलवार को कैबिनेट की बैठक मंत्रालय में संपन्न हुई। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में कई प्रस्ताव चर्चा के लिए आए, जिन्हें मंत्रिमंडल ने चर्चा के बाद कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। जानकारी देते हुए गृह एवं संसदीय कार्य मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने बताया कि मछुआ कल्याण महासंघ को राष्ट्रीय स्तर पर अव्वल पुरस्कार मिलने पर उनके द्वारा मछुआ कल्याण विभाग के मंत्री ने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान का आभार जताया। इसके अलावा जनवरी महीने में होने वाले कार्यक्रमों को लेकर भी कैबिनेट में चर्चा हुई, जिसमें एनआरआई सम्मेलन शामिल है। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शामिल हो सकते हैं। इसके साथ ही शिवराज कैबिनेट ने एक दर्जन से अधिक प्रस्तावों पर निर्णय लिया है। मध्य प्रदेश कैबिनेट की बैठक आज बल्लभ भवन में माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह जी चौहान की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, जिसमें अनेक महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। आज मछुआ कल्याण महासंघ को जो राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कार मध्य प्रदेश को अव्वल आने पर मिला है, उसके द्वारा माननीय मंत्री महोदय द्वारा मुख्यमंत्री जी का आभार, मुख्यमंत्री द्वारा मंत्री जी को बधाई दी गई। खुशीलाल वैद्य वाला जो हमारा अस्पताल है, पंचकर्म की जो बेहतर व्यवस्था हुई, आज स्वयं मुख्यमंत्री जी ने उसका दौरा भी किया था, उसके लिए भी आज काफी सराहना की गई। एक सीहोर जिले का नवाचार जो वहां के शिक्षकों ने किया था, स्मार्ट स्कूल बनाने के लिए स्मार्ट टीवी उन्होंने अपने राशि से, लोगों के सहयोग से जिले के अंदर जो बांटे हैं, माननीय मुख्यमंत्री महोदय खुद भी इस नवाचार के लिए उन शिक्षकों का अभिनंदन करेंगे। आज सामाजिक न्याय और निःशक्तजन कल्याण विभाग का नाम बदलकर सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग करने का निर्णय कैबिनेट के द्वारा लिया गया है। सीएम राइज योजना के अंतर्गत सर्व सुविधा युक्त विद्यालयों के निर्माण के लिए जो आय थी उसकी 2660.66 करोड़ रुपए के निर्माण के लिए स्वीकृत किए जाना सहमति दी है। यहां मैं यह कहना भी प्रासंगिक समझता हूं कि एक महत्वाकांक्षी योजना है जो शिक्षा के गुणवत्ता में सुधार के लिए, शिक्षा के स्तर में बदलाव के लिए मध्य प्रदेश में क्रांति लेके आने वाली है। स्वयं मुख्यमंत्री जी भी अभी पिछले दिनों जब वहां पर गए थे तो उन्होंने भी देखा कि वास्तव में बच्चों के बौद्धिक विकास में और उनके आत्मविश्वास में गुणात्मक वृद्धि हुई है। आज मुख्यमंत्री जी ने तत्काल माननीय मंत्री स्कूल शिक्षा को कहा भी है कि ये 275 विद्यालय विकसित किए जा रहे हैं, इनकी पूर्णता का ध्यान रखा जाए और 73 विद्यालयों की डीपीआर भी तत्काल बनाई जाए। जनवरी मास में हमारे यहाँ 3 महत्वपूर्ण कार्यक्रम होने वाले हैं, एनआरआई सम्मेलन, प्रधानमंत्री जी स्वयं और खेलो इंडिया यूथ गेम्स जो आने वाला है। ये खेलो इंडिया यूथ गेम के लिए आज कैबिनेट के द्वारा अलग अलग मदों में 85-92 ऐसे करके 170.50 करोड़ की कार्य योजना की तैयार कर वित्त विभाग की सैद्धांतिक सहमति इसमें प्राप्त हो गई है। 170 पॉइंट उसके लिए कुल व्यय जो इसका आने वाला है वो 212.87 करोड़ रुपए के व्यय का अनुमान इसमें है। ये 8 जगह पर पूरे प्रदेश में ये खेल होंगे। ये 8 जगह हैं: भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, मंडला, बालाघाट, खरगोन में महेश्वर, जबलपुर, दिल्ली आदि शहरों में एक महत्वाकांक्षी या कार्यक्रम खेलो इंडिया का मध्य प्रदेश में होने के लिए जा रहा है, उसको भी कैबिनेट के द्वारा आज सहमति प्रदान की गई है। आज भैंसदेही जिला बैतूल में खसरा क्रमांक 569 रकबा 19.247 में से 283 हेक्टेयर भूमि का स्थायी पट्टा मध्य प्रदेश नजूल भूमि निवर्तन निर्देश 2020 और 24 सितंबर 2020 के अध्याय 3 के भाग अनुसार आवंटित करने का निर्णय भी तय किया है। भारतमाला परियोजना के अंतर्गत इंदौर के समीप
MMLP के स्थापना के संबंध में भी आज कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। ये इसमें मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क हेतु पीतमपुर जिला धार में 126.5 हेक्टेयर भूमि चयनित की गई। इसका मूल्य लगभग 170 करोड़ रुपए है। इस भूमि में से लगभग 107 हेक्टेयर भूमि निजी है। इसके लिए भू अर्जन किए जाने के प्रस्ताव को भी आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा मंजूरी दी गई है। आज रवि विपणन 21-22 के लिए जो भारत सरकार की प्रधानमंत्री अन्नदाता संरक्षण अभियान है, उसमें जो मूंग खरीदी की गई थी, उस उपार्जित ग्रीष्मकालीन मूंग को निस्तारण की भी आज अनुमति मध्य प्रदेश कैबिनेट के द्वारा दी गई है। जैसा आप सबको विदित है कि मध्य प्रदेश में 1,00,000 सरकारी नौकरियां और बेरोजगारों को रोजगार देने के लिए हर महीने रोजगार दिवस जैसी अनेक आयोजन हो रहे हैं। इसमें मध्य प्रदेश सरकार तेजी से रोजगार देने की दिशा में काम कर रही है। उसी निमित्त आज 2 प्रस्ताव माननीय मुख्यमंत्री द्वारा कैबिनेट में रखे गए। एक तो हमारे जो पिछड़े वर्ग के बच्चों को विदेश में रोजगार के लिए जाना होता है, उन युवाओं के लिए 3 वर्ष में जो युवा परिचित हुए उन्हें और चयनित लगभग 200 युवाओं को सॉफ्ट स्किल, लैंग्वेज आवश्यक और प्रशिक्षण प्रदान कर विदेश में रोजगार उपलब्ध कराने का भी निर्णय आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट ने लिया है। इस प्रशिक्षण की अवधि 3 से 5 वर्ष होगी और अवधि के लिए रोजगार हेतु जापान इन सब बच्चों को भेजा जाएगा। जापानी भाषा में भी प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस पर कुल व्यय 2,01,800 रुपये प्रति युवा 2,01,800 रुपये प्रति युवा। इसमें राज्य का अंशदान भी 50% से अधिक होगा और लाभार्थी का भी अंशदान शामिल किया जाएगा। 3 वर्षों के लिए सरकार द्वारा इसके लिए 6 करोड़ रुपए की सहमति आज मध्य प्रदेश की कैबिनेट के द्वारा दी गई है। दूसरा है इसमें उद्यम क्रांति योजना। मुख्यमंत्री पिछड़ा वर्ग और अल्पसंख्यक कल्याण आयोग में इसमें अल्पसंख्यकों और पिछड़ा वर्ग के लोगों के लिए योजना मूल रूप से है। इसमें जो तय किया है वो परिवार की आयु अधिकतम वार्षिक 12,00,000 रुपए, इकाई की स्थापना ये निर्माण की कर सकेंगे, 50,00,000 रुपए तक की परियोजनाएं 1,00,000 से लेकर 50,00,000 तक की, 1,00,000 रुपए से 25,00,000 रुपए तक की योजनाएं सर्विस सेंटर और रिटेल व्यवसाय के लिए, और बैंक के लोन पर 3% ब्याज का अनुदान 7 साल तक सरकार इनका भरेगी। इसमें स्वरोजगार योजना के लिए भी सहायता दी जाएगी। नवीन स्वरोजगार योजना के लिए 10,000 रुपए से 1,00,000 रुपए तक की परियोजनाएं भी इसमें शामिल होंगी। इसमें भी लोन पर 3% प्रतिवर्ष ब्याज को 7 साल तक दिया जाएगा सरकार के द्वारा। इस योजना से 3 साल में 30,000 हितग्राहियों को 12,50,00,000 रुपए तक की परियोजनाओं की सहायता दिए जाने का लक्ष्य इसमें रखा गया है। आज एक महत्वपूर्ण निर्णय में, जिस तरह से अभी मैंने आपको स्कूलों के बारे में बताए, इसका उत्कृष्ट विद्यालयों के बारे में, ऐसे ही लोक स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग के अंदर भी अब 21 सिविल अस्पताल, 12 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, 151 प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र और 2 उप स्वास्थ्य केंद्र की स्थापना के उन्नयन का, ऐसे कुल 226 ये उप स्वास्थ्य केंद्र, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सिविल अस्पताल का प्रस्ताव आज कैबिनेट के लिए कैबिनेट ने पारित किया है। छिंदवाड़ा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की स्थापना के लिए पुनरीक्षित प्रशासकीय की स्वीकृति आज दी है। 665 करोड़ के स्थान पर यह 768.22 करोड़ की स्वीकृति इसमें प्रदान की गई है। एक आवास विभाग के द्वारा शहरों में स्थित पुराने जीर्णशीर्ण मकानों को तोड़कर रहवासियों को नवीन, बेहतर, आधुनिक और सुविधायुक्त आवास उपलब्ध हो सके, इसके लिए शहरी भूमि का अनुकूल उपयोग हो सके के उद्देश्य से मंत्रिपरिषद द्वारा प्रदेश आवास पुनर्विकास नीति 2022 का अनुमोदन आज किया गया है। आज संत रविदास स्वरोजगार योजना,
डॉक्टर भीमराव अंबेडकर आर्थिक कल्याण योजना एवं मुख्यमंत्री अनुसूचित जाति विशेष परियोजना वित्त पोषण योजनाओं की स्वीकृति भी आज मुख्यमंत्री के द्वारा कैबिनेट में दी गई है। इसमें 18 से 40 वर्ष तक के स्थान पर अब 18 से 45 वर्ष करने का और शैक्षण में भी 12वीं के स्थान पर 8वीं कक्षा उत्तीर्ण करने का अनुसमर्थन आज बाबा साहब अम्बेडकर और संत रविदास स्वरोजगार योजना के लिए किया है। जैसे हमारे सिंहस्थ में महाकाल कॉरिडोर के बाद में आपने देखा होगा कि सैलानियों की, तीर्थयात्रियों की, धार्मिक यात्रियों की संख्या में तेजी से इजाफा हुआ है। आज भी पर डे लगभग 1.5 लाख, 1 लाख, 2 लाख लोग पर डे उज्जैन में आते हैं। तो उज्जैन में स्वाभाविक रूप से पूरे देश का ध्यान आकर्षित किया प्रधानमंत्री जी के आने के कारण से। अब वहां पर जो कान्ह नदी है और उसका जो दूषित जल है वो उज्जैन में छिपरा में मिलता था, तो वो जल इस छिपरा में नहीं मिले। उस जल को डाइवर्ट करने के लिए, दूषित जल को करने के लिए एक परियोजना की स्वीकृति आज कैबिनेट के द्वारा दी गई है, जिसकी लागत 598.66 करोड़ की है और यह काम सिंहस्थ से पहले करने का भी आज मुख्यमंत्री जी ने तय किया है। इसका रखरखाव का भी जिम्मा एजेंसी 15 साल तक इसमें वहन करेगी। 108 फुट ऊंची बहुधातु प्रतिमा, जैसा आप देख रहे होंगे, मान रहे होंगे कि सिंहस्थ आने वाला व्यक्ति हरेक ओंकारेश्वर जाते ही है, और वहां पर भी एक बड़ा कॉरिडोर हमारे शंकराचार्य जी जो थे उनकी 108 फुट ऊंची धातु की प्रतिमा का निर्माण जो हो रहा है उसके लिए आज पुनरीक्षित लागत 198.25 करोड़ की स्वीकृति प्रदान की गई है। इससे हमारे सारे संत समाज में हर्ष है कि शंकराचार्य जी की प्रतिमा शंकर प्रथम की वहां पर हो रही है। इसी तरह से दूरसंचार सेवा, इंटरनेट सेवा, अवसंरचना प्रदान, वायरलाइन आधारित वॉइस और डाटा सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए आज संरचना स्थापना सुगम बनाने के लिए भी नीति और दिशा निर्देश पर सहमति कैबिनेट के द्वारा दी गई है। ये जो राज्य साइबर सुरक्षा में जो सेंध लगाने की कोशिश होती है उसके लिए एक राज्य कंप्यूटर सिक्योरिटी इंसिडेंट रिस्पांस टीम की भी चर्चा होकर सहमति प्रदान की गई है। जैसा आप सबको मालूम है कि हमारे मध्य प्रदेश लोक परिसंपत्ति प्रबंधन विभाग के द्वारा इसमें सागर जिले की रहली तहसील का डीएस कंस्ट्रक्शन को 8.80 करोड़ रुपए के लिए दिया है। इसकी रिजर्व प्राइस 3.52 करोड़ थी, जिससे 2.5 गुना ये राशि आई है। 100% राशि जमा करने के बाद में रजिस्ट्री करने का कैबिनेट ने तय किया है। इसी तरह से बिचौली हेप्सी इंदौर के अंदर की भूमि है, उसे 8.15 करोड़ में दिया है। इसकी रिजर्व मूल्य 1.92 करोड़ था, ये 7.28 गुना ज्यादा आया है। ये भी 100% राशि जमा करने के बाद में रजिस्ट्री का है। इसी तरह से चौरई जिला छिंदवाड़ा की है, एक स्क्रैप है जो मशीन का जो लोहा खराब हो जाता है, उस लोहा खराब को जो सोयाबीन प्रसंस्करण था उसका स्क्रैप था ये, इसकी नीलामी की गई है जो 11.138 करोड़ रुपए जिसकी गई है। इसकी रिजर्व प्राइस 2.27 करोड़ थी, उससे चौगनी राशि में ये आई है। 100% राशि जमा होने के बाद उठाने की सहमति दी है। इसी तरह से खाद और नागरिक आपूर्ति विभाग का देवगांव पिपरिया जिला नर्मदापुरम का है, ये 5.49 करोड़ में दिया है। रिजर्व प्राइस 2.14 करोड़ थी, ये भी 2.57 गुना अधिक आई है। 100% राशि जमा करने के बाद देने का आज कैबिनेट के द्वारा तय किया गया है। आज न्यायिक अधिकारियों के वेतन और प्रशिक्षण नियम का सृजन किए जाने का भी तय किया है। इसमें लगभग 235 करोड़ रुपए का व्यय अनुमानित है। इसमें 15 स्टेट पहले इसे कर चुके हैं।